खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार बड़े इनाम घोषित करती है, तो दूसरी तरफ जब कोई जिले का खिलाड़ी अपनी मेहनत और काबिलियत से देश का नाम रोशन करता है, विदेशी धरती पर देश का परचम लहराता है, उसके बाद भी प्रदेश के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी की सूद भी नहीं लेते हैं। देश जानना चाहता है कि क्या सिर्फ कागजों पर ही सैकड़ों की स्कीमें बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को कुछ भी नहीं और ना ही शासन द्वारा कोई सम्मान। क्या ऐसे में जिले और प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिमाएं निकलेंगी? ज्ञात हो कि पन्ना जिले के छोटे से नगर अमानगंज से, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, मोहम्मद अमन खान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UAE दुबई में एशिया चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 83 किलोग्राम वजन वर्ग में 155 किलोग्राम वजन उठाकर देश के लिए कांस्य पदक जीता, मगर 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक न खेल मंत्री और ना ही मुख्यमंत्री और ना ही शिक्षा मंत्री ने अमन खान की कोई सुध ली और ना ही कोई सम्मान दिया। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। देखिए, मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये जो बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने संसाधन, जो आधुनिक संसाधन है, उनको इकट्ठा कर सकूँ और बेहतर मेहनत कर सकूँ उस पर और ज़्यादा आगे तक जा सकूँ। देश के लिए मेडल। अच्छा अमन जी, जो ये पत्थर की ये रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? अच्छा, कौन सी? ये इस तरफ। अच्छा, आप वहीं पहुंचो। इनसे क्या करते हैं आप, क्या है ये? देखिए तिवारी जी, ये पत्थर का वेट है। ये जो चीप होती है, घरों में होती है, तो मेरे पास चूंकि संसाधन नहीं थे और मेहनत करने का विशेष लगाव और जुनून था, तो मैंने वो चीपों के पत्थर गोले कटवा के, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई कम वेट का है, कोई ज़्यादा वेट का है, कोई असंतुलित वेट बना हुआ है, इस वेट को हम इसमें, ये बेंच प्रेस, इसमें वजन लगाते हैं। ये जो बेंच प्रेस है, और करीब 100 kg, 125 kg और 150 kg तक ये वेट लगाते हैं और करते हैं, ताकि मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ। लेकिन ये सुविधा मेरे पास पर्याप्त नहीं है और उचित नहीं है, और मतलब एक जिसको कहना चाहिए एक बैलेंस युक्त मेरे पास ये सुविधाएँ नहीं है और अभाव में, परेशानी में। जो आप बेल्ट जुड़ा हुआ लिए हैं जी, इस बेल्ट से आप क्या करते हैं? ये पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में ये बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, कमर में लगाया जाता है, जिससे थोड़ी शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन ये मेरे पास कमज़ोर, थोड़ा सा टूटा हुआ बेल्ट है, लेकिन अब थोड़ी सी असुविधा के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, तैयारी हो रही है। अच्छा, एक जुनून है आपके अंदर ये कुछ कर गुजारने का? जी, मैं बचपन से ही, मेरे अंदर था कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं और एशिया से जीतूं, वर्ल्ड से जीतूं। इसके लिए अगर मुझे थोड़ी, अच्छा, जो आप ये अपना ये रूम दिखा रहे हैं, जो आपका ये प्रैक्टिस रूम है, ये हमें पूर्णतः देहाती नज़र आ रहा है, कम संसाधन वाला लग रहा है। ये अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाने में इसमें कितना चार्जेज आएगा, कितने पैसे आएंगे? अमन खान जी, आपने जो है पावर वेट लिफ्टिंग में दुबई जाकर के कांस्य पदक जीता और भारत का नाम किया, लेकिन किस मायने में आप अपने आप को एक गुमनाम जिंदगी में जी रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी महोदय जी, ये बात तो देखिए किसी से छुपी नहीं है कि मैंने कई वर्षों तक मेहनत की, बगैर कोच के, बगैर डाइटिशियन के, बगैर किसी सुविधाओं के, और मैंने एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव में रहकर और एक छोटे से कमरे में अपने करीब 16 वर्ष तक, कई वर्षों तक मेहनत की है, और कई वर्षों की मेहनत के बाद मैं पहले राष्ट्रीय चैंपियन बना झारखंड में, रांची झारखंड में मैंने गोल्ड मेडल जीता पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में। उसके बाद मेरा चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UAE दुबई के लिए एशिया चैंपियनशिप के लिए हुआ। वहां जाकर मैंने 83 किलोग्राम वजन वर्ग में 155 किलो वजन उठाकर देश के लिए कांस्य पदक जीता।
और वहाँ मुझे काफी सपोर्ट किया गया चूंकि मैंने मेडल जीता, इंडिया का नाम किया और प्रदेश में अपने देश का परचम लहराया। लेकिन जब मैं अपने देश में आया तो मुझे पब्लिक ने, पत्रकारों ने तो सपोर्ट किया अपनी तरह से, लेकिन जो देश में बैठे हमारे जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता का सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे खेल मंत्री जी हैं, उन्हें शायद पता ही नहीं होगा कि मैंने विदेश से पदक जीता, जबकि आप लोगों ने अखबारों में, न्यूज चैनलों में खून निकाला। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी कोई सुध नहीं ली जबकि मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर आया। यहां तक कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मेरे विभाग के शिक्षा मंत्री जी ने भी आज दिनांक तक मेरे बारे में कोई सुध नहीं ली है, जिसका मुझे थोड़ा सा रंजगम है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में एक इकलौता ऐसा शिक्षक हूं जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता हूं। आज तक शायद किसी भी शिक्षक ने ओपन कॉम्पिटिशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक नहीं जीता, और मैंने जीता है और कई वर्षों की मेहनत के बाद दुबई में अपने देश का परचम लहराया है। मगर मेरे साथ विडंबना है, क्या कहूं क्या बोलूं, खिलाड़ी तो स्वाभिमानी होता है लेकिन हमारे देश के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो प्रोत्साहन की बात करते हैं, जो करोड़ों की स्कीमें पेश करते हैं, उन लोगों ने सभी ने मुझे नजरअंदाज करके रखा है। क्यों रखा है मुझे पता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से शायद मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और मेरे विभाग के शिक्षा मंत्री जी तक मेरी बात पहुंचेगी और जो मुझे उचित रिस्पांस सम्मान मिलना चाहिए एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को, वो शायद मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।